दोस्तों क्या आप भी कालेपन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं थक चुके हैं और दोस्तों कालापन नहीं जा रहा है घुटनों का हो कौन का हो या फिर कहीं ही भी का भी हो पूरे शरीर का कालापन तो so चलिए आज हम इसको चुटकियों में खत्म करने वाले हैं और आप भी इससे बाय बाय बोल सकते हैं तो दोस्तों होम रेमेडी घर की है बहुत अच्छे अच्छे से मैंने इसको बनाया है नमस्कार मैं हूँ मॉन्टीज स्वागत है आप सभी का मॉन्टीज लाइफ स्टाइल चैनल पर तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं सो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच कॉलगेट कोलगेट दोस्तों वाइट टेक्चर का होना चाहिए और साथ ही दोस्तों इसमें लिया है मैंने एक चम्मच दूध दूध भी दोस्तों हमारा क्लीनिंग का काम करता है और ये दोस्तों हमारे जो मेल्टेनिंग होती है उसको निकाल के बाहर करता है तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और साथ ही दोस्तों हम लेंगे यहाँ पे कुकिंग सोडा जो कि खाना सोडा के नाम से जानते हैं दोस्तों इसकी जगह पे आप लोग इनो भी ले सकते हो अगर ये नहीं है और साथ ही दोस्तों हमें यहाँ पे डालना है हाफ लेमन का जूस ये भी दोस्तों हमारा ब्लीच का काम करता है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज इसमें भर भर के होती है विटामिन सी से भरपूर होता है साथ ही दोस्तों हमने चुटकी भर ली है हल्दी हल्दी भी दोस्तों हमारी ये एंटीसेप्टिक होती है और ये भी हमारे मेल टेनिंग को निकाल के एक दो सेट हमारी स्किन को दोस्तों लाइटन अप करती है यानी कि स्किन को फेयर करती है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है आप लोग देख सकते हो लगाने के लिए रेडी है हमारी रेमेडी तो चलिए दोस्तों इसे सबसे पहले हम अपने पूरे जहाँ पे भी हमें इसे लगाना है वहाँ पे इसे लगा सकते हैं मैं अपने हैंड पे लगा के इसको दिखा रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने पूरे हैंड पेस को लगाऊंगा और देखते रहिए जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करके दिखा रहा हूँ ना सैम इसी प्रोसेस से आपको करना है दोस्तों सबसे पहले उस जगह को सबसे पहले वॉश कर लेना है एक सादा पानी से तभी इसको अप्लाई करना है मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से लगाया आप लोग फिंगर टिप्स की हेल्प से भी इसे लगा सकते हो और दोस्तों गर्दन पे नेक पे घुटने पे कहीं पे भी इसे लगा सकते हो और इसे दोस्तों हम यहाँ पे जो लेमन पी लिया था इसे हल्के के हाथ से हम मसाज करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा तेज स्पीड में फॉरवर्ड किया है दस से पंद्रह मिनट मैंने इसकी मसाज की थी और जो दोस्तों हमारी उंगलियों के जो जॉइंट है ना वहाँ पे भी इसे ज़्यादा देर तक करना है क्योंकि वहाँ का कालापन ज़्यादा होता है तो चलिए दोस्तों जो हमारी मेल्ट है यानी कि धूल मिट्टी के कण हैं जो चिपके हुए हैं हमारी स्किन से तो इसी तरह से दोस्तों हम इनको साफ़ कर लेंगे और साफ़ करने के बाद में दोस्तों हम इसको वॉश करके दिखाएंगे ना तो आपकी आंखें दोस्तों देखती रह जाएंगी सच में इतना अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे एक बार के लगाने में सो देख सकते हो चलिए वॉश कर लेते हैं जल्दी से सो दोस्तों वॉश करने के बाद में फ़र्क देख सकते हो ऊपर नीचे के हिस्से में जहाँ पे मैंने इसे लगाया वहाँ का हिस्सा देख सकते हो और ऊपर का देख सकते हो तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं एक बार के लगाने में इससे दोस्तों आप लोग हफ्ते में दो से तीन बार यूज़ कर सकते हो तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट मिला तो आप भी दोस्तों इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करना और अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना और ये वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों क्योंकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो एंड ब्यूटी टिप्स लेके आता रहता हूँ तो देख सकते हो दोस्तों निखार कितना अच्छा है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार